हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो गाइस, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कीबोर्ड इवेंट्स के बारे में। गाइस, इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि माउस इवेंट्स का किस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और इस वीडियो में हम सीखेंगे कीबोर्ड इवेंट्स के बारे में। तो गाइस, कीबोर्ड इवेंट्स क्या करते हैं, हमारे पास जो भी हमारे कीबोर्ड के थ्रू इवेंट्स होते हैं उनको ही हम कहते हैं कीबोर्ड इवेंट्स। तो गाइस, सबसे पहला इवेंट है हमारे पास ऑन की डाउन। तो गाइस, चलिए देखते हैं उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो गाइस, मैं यहाँ पर एक फॉर्म ले लेता हूँ और इस फॉर्म के अंदर एक इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लेता हूँ। मैंने इसके अंदर लिया एक इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट में नेम और वैल्यू को मैं और प्लेस होल्डर को भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और इसकी जगह मैं यहाँ पर लूँगा सिर्फ एक आईडी, और इसकी मैं एक आईडी दे देता हूँ टीएक्सटी। आप कुछ भी आईडी दे सकते हैं यहाँ पर। मैंने यहाँ पर टीएक्सटी ले लिया ताकि हमें ये नॉलेजेबल हो कि ये टेक्स्ट लिया हुआ है हमने। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लिखूँगा, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डोम एलिमेंट्स की हेल्प से इसको यहाँ पर गेट करा लूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसकी आईडी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टीएक्सटी। अब इसकी वैल्यू का हम यहाँ पर किसी वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं, तो मैं इस वेरिएबल को यहाँ पर लिख देता हूँ चेंज। मैंने एक चेंज नाम से वेरिएबल लिख दिया, और क्या करा, मैंने एक एलिमेंट को यहाँ पर गेट करा लिया उसकी आईडी से। अब नेक्स्ट हमें क्या चलना है गाइस, इवेंट्स की तरफ। तो यहाँ पर हमारा पहला इवेंट है ऑन की डाउन। तो गाइस, ऑन की डाउन क्या करता है, तो जब भी आप कोई बटन को प्रेस करते हैं कीबोर्ड के, तो ये मेरा वर्क करता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑन की डाउन। ऑन की डाउन पे एक फंक्शन चला देता हूँ मैं, चेंज नाम से ही मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, और मैंने यहाँ उसको रन करा दिया चेंज को। अब यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, फंक्शन का नेम मैं यहाँ पर दे देता हूँ चेंज, और इसको मैं यहाँ से कट करके पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, ये स्क्रिप्ट भी साथ में आ गया। अब गाइस, क्या हुआ कि जब भी कोई बटन को प्रेस करेगा तो मेरा एक फंक्शन रन करेगा चेंज। अब गाइस, चेंज के लिए मैं अभी क्या करूँगा, इसकी वैल्यू को यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ, इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर एक अलर्ट यूज़ कर लूँगा, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं की डाउन इवेंट। तो चलिए गाइस, इसको हम ब्राउज़र पे देख लेते हैं। तो जैसे मैं इसको ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ और इसको जूम कर लेता हूँ, तो सबसे पहला हमारे पास ऑन की डाउन। तो गाइस, जब भी मैं इसमें कोई बटन को प्रेस करूँगा, मैं यहाँ पर कुछ भी बटन को प्रेस करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास ऊपर एक अलर्ट आ चुका है। अब मैं जैसे इसको ओके करूँगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने क्या इनपुट दिया था। मैंने इनपुट दिया था के। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ डब्ल्यू, और जैसे ही मैंने इसको करा तो यहाँ पर एक अलर्ट आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आउटपुट आ गया डब्ल्यू। तो गाइस, इसी का यूज़ हम करते हैं ऑन की डाउन से। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक अलर्ट को रिमूव कर देता हूँ, और जो हमने यहाँ पर एलिमेंट को गेट कराया था इसका अब हम बैकग्राउंड कलर चेंज करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इस वेरिएबल का नेम, और यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा, और इसके बाद मैं यहाँ पर सी एस एस लगाऊँगा, बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू रेड कर देता हूँ मैं इसको, बैकग्राउंड कलर मेरा रेड हो जाए जब भी कोई इस पर प्रेस करे। तो मैं यहाँ पर F5 करता हूँ, कोई भी यहाँ पर बटन क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मेरा आउटपुट तो नहीं आया, यहाँ पर कोई बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर मैंने B को कैपिटल कर दिया था। रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिएगा जैसे ही मैं बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर आ गया मेरा रेड कलर। अब गाइस, देखा होगा आपने कि जैसे ही मैंने इस बटन को प्रेस करा तो उसके बाद रेड कलर तो आ गया, बट ये रेड कलर मेरा यहाँ पर बिल्कुल सेट हो चुका है कि इसकी वैल्यू यहाँ पर ये रेड हो चुकी है। तो गाइस, इसी के लिए हम यूज़ करेंगे ऑन की अप। मैं आपको ऑन की प्रेस भी बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ ऑन की अप। अब गाइस, जब हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर रेड आ रहा है, बट जब कोई कीबोर्ड के बटन को यहाँ पर जब उसको छोड़ेगा तो वो अप हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर की इवेंट लगेगा ऑन की अप, और मैं इसका फंक्शन दे देता हूँ चेंज टू। मैंने इसका फंक्शन दिया यहाँ पर चेंज टू, और इसी फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ, फंक्शन का नेम बदलता हूँ, और यहाँ पर वेरिएबल भी मैं चेंज कर देता हूँ चेंज टू। वैसे यहाँ पर वेरिएबल चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने यहाँ पर डिफरेंस दिखाने के लिए यहाँ पर वेरिएबल चेंज कर देता हूँ, और अब इसका बैकग्राउंड कलर मैं वापस से कर देता हूँ यहाँ पर वाइट। तो वाइट की जगह आप यहाँ पर ट्रिपल एफ यूज़ कर सकते हैं, जो इसका एग्जैक्ट डेसिमल कोड है, या मैं यहाँ पर इसको वाइट ही करके दिखा देता हूँ आपको। तो मैंने करा यहाँ पर वाइट, ब्राउज़र पे गया, रिफ्रेश करा,
अब गाइस जब भी कोई इसको प्रेस करेगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वाइट कलर, ओ सॉरी इसमें रेड कलर आ रहा है इसका बैकग्राउंड कलर। अब गाइस मैंने यहाँ पर क्या कर रखा, अभी तक इस बटन को छोड़ा नहीं है, बट जैसे ही मैं इस बटन को छोड़ूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका वाइट कलर फिर से आ चुका। अब मैं फिर से डाउन करता हूँ तो आप देख सकते हैं रेड कलर छोड़ा तो उसका कलर वापस से यहाँ पर डिफ़ॉल्ट उसके जो भी कलर मैंने इसमें दिया वो उसमें वापस आ चुका है। तो गाइस हमने देखा कि एक ही के अंदर हमने यहाँ पर दो इवेंट का यूज़ करा और यहाँ पर दो फंक्शन यूज़ करे हमने इसमें। अब नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं ऑन की प्रेस, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑन की प्रेस। तो गाइस ऑन की प्रेस भी हमारा बिल्कुल, मैं इसमें सेम ही फंक्शन का यूज़ कर लेता हूँ चेंज, मैंने इस पर भी सेम फंक्शन चला रहा हूँ ऑन की प्रेस। अब मैं क्या करूँगा ऑन की डाउन और ऑन की अप को यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। तो गाइज़ रिमूव से मैं आपको डिफरेंस बता पाऊँगा कि इसमें डिफरेंस क्या था। तो गाइज़ ऑन की प्रेस भी मेरा सेम ऑन की डाउन की तरह वर्क करता है कि जब भी कोई इसको बटन को यहाँ पर प्रेस करेगा तो मेरा ये चेंज फंक्शन यहाँ पर वर्क करेगा। अब गाइज डिफरेंस इसमें क्या है कि जो मेरा ऑन की प्रेस है वो मेरा कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और एस्केप बटन को यहाँ पर स्किप कर देता है, वो कीबोर्ड के सारे बटन को चला देता है, मतलब वो चेक करता है कि ये प्रेस हुआ है नहीं हुआ है, बट ये चार बटन को यहाँ पर प्रेस, मतलब ये इसका प्रेस को चेक नहीं करता है, मतलब ये स्किप कर देता है हमारे कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और एस्केप को। बट की डाउन क्या करता है, वहाँ पर कीबोर्ड के जितने भी हमारे पास कीज़ है वो उनको सबको सेट करता है कि अगर कोई भी इसको प्रेस करता है तो वो उसको एक फंक्शन को यहाँ पर इवेंट को फायर कर दे। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, ब्राउज़र पर जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर कुछ भी बटन दबाता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चेंज कलर हो चुका है। बट अभी मैं यहाँ पर दबा रहा हूँ कंट्रोल, रिफ्रेश करता हूँ, कंट्रोल दबाया तो यहाँ पर मेरे पास ये चेंज नहीं हो रहा। मैंने यहाँ पर ऑल्ट भी दबाया, ये आपको विजिबल नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ले लेता हूँ और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में मैं यहाँ पर आपको कंट्रोल दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर कंट्रोल दबाया तो गाइस देखा आपने कि कंट्रोल ऑल्ट एस्केप, एस्केप से क्या हुआ ये बैकग्राउंड में आ गया, एस्केप को भी इसने यहाँ पर कुछ टाइप नहीं करा और शिफ्ट, तो शिफ्ट भी देखा आपने इसमें कंट्रोल नहीं करा। और जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ जी एच तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रन मेरा कर रहा है। तो गाइस हमने देखा कि यहाँ पर ऑन की डाउन, ऑन की अप और ऑन की प्रेस यहाँ पर किस तरीके से वर्क करता है। तो गाइस इसका बेसिकली जब हम आगे प्रोजेक्ट्स में यूज़ करेंगे वो हम देखेंगे कि हम फॉर्म वैलिडेशन यहाँ पर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस फॉर्म वैलिडेशन में क्या होता है, जैसे अगर आपको यहाँ पर पासवर्ड डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि नीचे एक और जो फील्ड होती है उस पर लिखा आता है यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड। तो गाइस वो क्या करता है, इन दोनों फील्ड्स को चेक कराने के लिए काम करता है। या अगर हमें कोई जीमेल डालनी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कोई कोई जैसे हम किसी रजिस्टर करते हैं कोई भी नई जगह पर तो आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा आता है प्लीज़ इंक्लूड हैश सिंबल और समथिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड। तो गाइस उसी को हम यहाँ पर पैटर्न के फॉर्म में यहाँ पर वैलिडेट करते हैं कि अगर कोई यहाँ पर यूज़र वैल्यू डाल रहा है वो उससे मैच हो रही है नहीं हो रही है, अगर यहाँ पर ब्लैंक तो नहीं वैल्यू डाल रहा है कि वो हमारी ब्लैंक चली जाए डेटाबेस में, तो वही सब चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हमारे की इवेंट्स के थ्रू। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।